Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Simplified Banking. आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स पर डिटेल्ड वीडियो लाई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में तमाम प्राइस बॉन्ड्स जो कि बड़ी डिनोमिनेशन के जैसे कि 7500, 15000, 25000 और 40000 के थे, उनको बंद कर दिया गया था। उसकी जगह नेशनल सेविंग्स की तरफ से प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स जो कि 25000 और 40000 की डिनोमिनेशन में अवेलेबल हैं जारी किए थे। आज हम उनकी बात करेंगे। ये प्राइस बॉन्ड्स इन्वेस्टर के नाम पर रजिस्टर होते हैं, इसलिए इनको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड कहा जाता है। इन्वेस्टर को हर 6 माह बाद गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक प्रॉफिट दिया जाता है, जो इस बॉन्ड की इनामी रकम से इजाफी होता है। इस बॉन्ड की प्राइस मनी और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 25000 वाले प्रीमियम बॉन्ड की पहली इनामी रकम 3 करोड़ और 40000 वाले बॉन्ड की पहली इनामी रकम 8 करोड़ रुपए है। ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल भी हैं और प्लेजेबल भी, और ये कैश, चेक, पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू परचेज किए जा सकते हैं। इन बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये बॉन्ड्स अपनी इश्यूएंस के 3 माह बाद प्लेज किए जा सकते हैं और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स परचेज करने की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना मर्जी चाहें इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। प्राइस बॉन्ड्स के जितने भी ड्रॉ होते हैं उनको कॉमन ड्रॉ इसलिए कहा जाता है कि इनाम निकलने की सूरत में तमाम सीरीज इनामी रकम के लिए एलिजिबल होती हैं। अब बात करते हैं इन बॉन्ड्स की प्राइस मनी की। 25000 वाले बॉन्ड का पहला इनाम 3 करोड़, दूसरा इनाम 1 करोड़, जबकि तीसरा इनाम 3 लाख रुपए है। 25000 वाले बॉन्ड के टोटल 707 विनर्स होते हैं, जिनमें से 2 नंबर्स पहले, 5 नंबर्स दूसरे और 700 नंबर्स तीसरे इनाम के हकदार होते हैं। इसी तरह 40000 वाले बॉन्ड का पहला इनाम 8 करोड़, दूसरा इनाम 3 करोड़ और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए है। 40000 वाले बॉन्ड के टोटल 664 विनर्स होते हैं, जिनमें से पहले नंबर के लिए 1, दूसरे के लिए 3 और तीसरे के लिए 660 नंबर्स हकदार होते हैं। अनरजिस्टर्ड बॉन्ड की तरह इन रजिस्टर्ड बॉन्ड्स का ड्रॉ भी साल में 4 बार होता है, हर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इन बॉन्ड्स का ड्रॉ होता है। अब जून की 10 तारीख को 40000 वाले बॉन्ड का मुजफ्फराबाद और 25000 वाले बॉन्ड का ड्रॉ हैदराबाद में होगा। इसी तरह 12 सितंबर को 40000 वाले बॉन्ड का ड्रॉ कराची और 25000 वाले बॉन्ड का ड्रॉ फैसलाबाद में होगा, और दिसंबर की 12 तारीख को लाहौर और मुल्तान में इन बॉन्ड्स का ड्रॉ होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि नेशनल सेविंग्स और स्टेट बैंक की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके आईडी कार्ड की कॉपी और तीसरे नंबर पे आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसमें आपका बैंक और ब्रांच नेम, टाइटल ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर की डिटेल होना जरूरी है, दरकार होते हैं। ये प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक के अलावा 19 कमर्शियल बैंक से भी खरीदे जा सकते हैं। उन कमर्शियल बैंक्स की डिटेल्स का लिंक आपको शो हो रहा होगा, यहां से आप उन बैंक्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन बॉन्ड्स की इनकैशमेंट के बारे में। ये बॉन्ड्स किसी भी वक्त इनकैश करवाए जा सकते हैं। उसके लिए इन्वेस्टर को एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ओरिजिनल प्रीमियम बॉन्ड की बैक साइड पे साइन करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग के बाद वो अमाउंट इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब हम बताएंगे कि ये बॉन्ड ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। प्रीमियम बॉन्ड किसी भी वक्त ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं और किसी को भी ट्रांसफर हो सकते हैं, मगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी उस मौके पे मौजूद होने जरूरी हैं।
प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में मुनाफे की रकम हासिल करने के लिए आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को कम से कम 6 माह के लिए अपने पास होल्ड करना पड़ता है, आइदर फॉर्म डेट ऑफ इश्यूएंस और डेट ऑफ लास्ट प्रॉफिट पेड। अगर आपका प्रीमियम बॉन्ड गुम हो जाए तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, अपने ऑफिस ऑफ इश्यूएंस को विजिट करना है, एक रिटर्न एप्लीकेशन में अपने बॉन्ड की गुमशुदगी के मुतालिक बताना है, उसके साथ साथ आपने पुलिस की लॉस्ट रिपोर्ट लगानी है और अपने CNIC कॉपी भी लगानी है। ज़रूरी तहकीकात के बाद आपको नया प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, जिसका नंबर आपके गुमशुदा बॉन्ड से मुख्तलिफ होगा, इशू कर दिया जाएगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड से मिलने वाला प्रॉफिट या इनामी रकम हर तरह की ज़कात से एग्जम्प्ट होती है, मगर उन पर टैक्स लागू होता है, जो कि फाइलर के लिए 15% जबकि नॉन फाइलर के लिए 30% है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं अपनी पिछली वीडियो में प्राइस बॉन्ड्स के ड्रॉ से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।